मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्राथमिक शाला नांदेगवाड़ी में 41 बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल भवन का झरझर होने के कारण बच्चों को बहुत परेशानी होते है। तुम्हारे स्कूल का क्या स्थिति है? सीट टूटी है। सीट टूटी है तो इसमें क्या क्या परेशानी होती है? पानी गिरती है, दरवाजा नहीं है, परेशानी होती है। और 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित है यहाँ पर। कक्षाएं संचालित करने में परेशानी होती है हमें, क्योंकि यहाँ पे एक ही रूम है और ये बरामदा खुला हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी बारिश के समय ही होती है हमको। अभी तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। बारिश के समय में पानी पूरा अंदर घुस जाता है, सीट पूरा टूटा हुआ है। इस वीडियो को बनाने के बाद में मैंने ग्राम नांदेगवाड़ी में छोटा सा बैठक करवाया और उसी ग्राम में निवासरत हमारे उप सरपंच साहब को बुलाया गया। उप सरपंच और गांव वाले के सहमति से हम लोगों ने ग्राम पंचायत को आवेदन लिखा एवं ग्राम सभा में आवेदन दिया। 4-5 बार आवेदन देने के बाद में 1 साल 2 महीने बाद हमारे स्कूल की मरम्मत काम चालू हुआ। आपके माध्यम से वीडियो बनाया गया और यहाँ की समस्या को लेकर गया गांव में, लोगों को बताया। वीडियोग्राफी करने वाले आप जैसे मोहन विजय, आपके द्वारा और पब्लिक के सहयोग से सरपंच के माध्यम से अच्छा काम हुआ है। प्रोफाइल शीट लगा है और ये खिड़की वगैरह भी लग गया है, दरवाजे लग गए हैं और अब मेरे स्कूल में पानी नहीं टपक रहा, काफी ठीक हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से और समस्याओं को उठाऊं और मैं उसमें बदलाव लाऊं। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया नेट के लिए।